देखो, संसार त्रिकाल में सत्य नहीं है और भगवान त्रिकाल सत्य हैं। जागृत में आवे तो सत्य है, स्वप्न में आवे तो सत्य है, सुषुप्ति में, भावना में, जब कभी जहां जैसे वो सत्य हैं। संसार चाहे जागृत में हो, चाहे स्वप्न में हो, चाहे सुषुप्ति में हो, ये असत्य था, असत्य है, असत्य रहेगा। कहां गए वो रूप जिनको अम्मा मानते थे, पिता मानते थे? ना पहले थे, ना बाद में कभी दिखाई दे रहे, बीच में भास रहे। कहां गई मेरी वो बाल्यावस्था? ना वो पहले थी, ना बाद में रही, बीच में भास रही थी। कहां गई जवानी? इसी शरीरों की देते देखते जाओ, और अभी कुछ दिन बाद ये मिट्टी में मिल जाएगा, जो सामने देख रहे हो ना। कहां गया वो रूप? बस उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो भगवान थे, है, रहेंगे, इसलिए उनके लिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति का भेद नहीं माना। जैसे हम भावना में आ रहे हैं, पक्का वो आ रहे हैं, जितना आपको दिखाई दे रहा है, जितना भाव बन रहा है, वो आए हैं कृपा करके। उन पे हमें नहीं, ये तो मेरी शायद कल्पना होगी या भावना होगी, नहीं, वो सत्य आए। अगर स्वप्न में गुरुदेव आए, प्रभु आए, भक्त आए, तो सत्य आए। वो त्रिकाल सत्य है, इसलिए त्रिकाल सत्य है, उसके लिए मिथ्या थोड़ी सोचा जाता है। संसार मिथ्या है तो मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये न रूप कभी रहे थे, न कभी है, न कभी रहेंगे, पीछे न थे, न आगे रहेंगे, तो इनकी क्या सत्ता है, बीच में दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए बहुत सावधानी से अपने शरीर का राग मिटाकर भगवान की प्राप्ति कर ले। यहाँ मतलब धोखे का खेल है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना थे। इसलिए सपने में भगवान आ जाए तो बहुत बड़ी कृपा कर दी, वो भगवान ही है, वो मिथ्या नहीं है। हाँ, अगर आप जैसे भाव में बैठे हो और थोड़ा थोड़ा झलक रहा है, सांवले चरणारविंद है, गोरे चरणारविंद है, प्रियालाल के और बंसी अधरों पे है, ऐसे गलबैया दिए खड़े हैं, वो आ रहे हैं तुम्हारे भाव में, उसे तुम झूठा मत मानो ना। वो जितना तुम सोच पा रहे हो, वो आ रहे तुम्हारे भाव में। अगर कभी स्वप्न में देखा कोई संत आ गए, कोई गुरुदेव आ गए, या भगवान का कोई मंदिर आ गया, भगवान की भगवान आए, नाचू हृदय से अंदर से कि हमारे ऊपर कितनी कृपा, आज भगवान स्वप्न में आए। लेकिन संसार जागृत में भी सत्य नहीं है, सुषुप्ति में भी नहीं है, और स्वप्न में भी नहीं। देखो ये शरीर जागृत में दिखाई देता है, और स्वप्न में जब होते थे पड़ा रहता है, लेकिन इसका भान होता है क्या? तो मिथ्या हो गया ना। अच्छा, स्वप्न में जो थे जब जगे तो मिथ्या हो गया ना। ये क्षण क्षण में मिथ्या होने वाले शरीरों को हम सत्य कैसे माने? और शास्त्र भी कहता है, और हम खुद देख रहे हैं, ये नाश की तरफ जा रहा है। सत्य है भगवान तो त्रिकाल सत्य है, सत्य है भगवान के भक्त तो त्रिकाल सत्य है। जैसे संत जन है ना, अंतर ध्यान हो जाते हैं ना, तो वो ऐसे थोड़ी कि संसारी आदमी की तरह मर गए फिर नारकी योनियों को प्राप्त हुए। अगर आज आप अभी देखना चाहें कि पूज्य पाद उड़िया बाबा के हमें दर्शन चाहिए, तो आपकी एकाग्रता भजन है, तो वो भगवान है, वो अभी आ जाएंगे, उड़िया बाबा बन करके मिल जाएंगे, अभी आ जाएंगे भाई जी हनुमान प्रसाद सुखदास, अभी श्री स्वामी राम सुखदास जी के रूप में आ जाएंगे। जितने संतों को आप जानते हैं, सब संत, कोई ऐसा नहीं कि ये नहीं रहे, ये बाहरी उनकी लीला है, सब भगवत धाम में विराजमान वृंदावन में। कोई ऐसे संत भगवान नहीं, कोई ऐसे आचार्य नहीं, कोई ऐसे महापुरुष नहीं जिनका मिलन ना होता हो, जो भगवत प्रेमी महात्मा है उच्च कोटि के, ये सब विराजमान, लेकिन अपने ये शरीर नाशवान है। हाँ, इनका कोई महत्व नहीं, वो अपने जिस स्वरूप में पहुंच गए हो अब भी विराजमान है, सब सेवा में है ठाकुर जी की, कोई ऐसा थोड़ी है। अब महाप्रभु चैतन्य देव यही है वृंदावन में, ये रूप जी, सनातन जी, ये सब आचार्य यही विराजमान है वृंदावन में, कहीं बाहर थोड़ी है। वो बाहरी जो कृपा करनी थी करके अपने घर में विराजमान, घर है ये प्रियालाल का निज धाम चिदानंद वृंदावन धाम है। तो त्रिकाल सत्य भगवान, इसलिए स्वप्न में भी सत्य मानना चाहिए, और संसार त्रिकाल असत्य है, इसलिए जागृत में भी असत्य है, स्वप्न में भी असत्य है। हाँ, यहाँ कर्तव्य ठीक से कर लोगे तो जान जाओगे तुम कि संसार असत्य है, शरीर असत्य है, ठीक कर्तव्य कर लोगे। कर्तव्य को इस रूप में नहीं देखना है, जब संसार असत्य है तो हम क्या करें, नहीं नहीं, नौटंकी का नाटक मिला, बढ़िया रोल है, तुम कर लो तो जो डायरेक्टर है ना वो इनाम देगा, इस नाटक से मुक्त कर देगा। जगन नाटक वैभवा, भगवान का ही गोपाल शास्त्र नाम में नाम, जगन नाटक वैभवा। इसलिए कभी अश्रद्धा मत करना, स्वप्न में भी भगवान आते हैं और वो सत्य होते हैं, लेकिन जगत का भाव तो असत्य ही है। महाराज जी, कल आपका चिंतन करते करते हमने मतलब रात में सोए थे,
हमको आपका दर्शन भी हुआ, आपका स्पर्श हुआ, तो हम इसलिए सुबह हम आए कि थोड़ा दर्शन महाराज से थोड़ा स्पर्श भी करा लेंगे। ये क्या हमारी लाडली जो है ना, ये सब लीला वो करती रहती है उनका ये समर्पित जीवन है। महाराज जी हम नाम जप करने के लिए मतलब विशेष मतलब आप कृपा हो कि हमेशा अखंड नाम जप हमेशा। हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है और हमारे संतों का भी हृदय का लक्ष्य यही और सब शास्त्रों का सार भी यही है। जिसकी जिभ्या पे निरंतर नाम चलता है उसे कुछ दुर्लभ नहीं, जो ज्ञान जो वैराग्य जो भक्ति जो चाहेगा वो सब प्राप्त हो जाएगा। नाम रूपी धन अधिक से अधिक लोभी की तरह हम कमाएं। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, सोई कृपाल तुह मोहि पर राहु सदा अनुकूल। भगवान का नाम भव भेषज है, हाँ तीनों तापों का नाश करने की सामर्थ्य रखता है और भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य रखता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू, खूब नाम जप करो। अपने लोगों को भगवान ने दासत्व दे दिया प्रगट में, खूब दासत्व का निर्वाह करो, सेवा करो, नाम जप करो। जय जय श्री।